हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा पहला पार्ट आ चुका था। उसमें हमने बताया था कि कालिदास जी का जन्म कब हुआ था, फिर उनका वेदुत माँ से विवाह कैसे हुआ था, शास्त्रार्थ में कैसे हराया था, जब विवाह के बाद विद्युत माँ को पता चला कि कालिदास एक मूर्ख इंसान है, फिर विद्युत माँ ने कालिदास को अपमानित करके अपने से दूर कर दिया था। कालिदास जी माँ काली के मंदिर में जाकर माँ काली की पूजा करने लगे। माँ काली के आशीर्वाद से कालिदास को विद्वान पंडित का आशीर्वाद मिला था। अब हमारे दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कालिदास जी के काम के बारे में कि कालिदास जी ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, कौन सी रचनाएं करी हैं, कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं। तो कालिदास जी का पहला नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम। इस नाटक में दुष्यंत और शाकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। इसमें जो शाकुंतला नाम की लड़की है वो एक सन्यासी है। राजा दुष्यंत इनके प्यार में पड़ जाते हैं और फिर ये दोनों गांधर्व विवाह करते हैं। हिंदू धर्म के अंदर 8 तरह के विवाह बताए गए हैं और उनमें से एक है गांधर्व विवाह। इस विवाह में परिवार समाज का कोई लेना देना नहीं होता है। इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह के बाद आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया है कि किस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने राजा दुष्यंत को श्राप दिया था और कहा था कि आप अपने शादीशुदा जीवन को भूल जाएंगे। फिर दुष्यंत के माफी मांगने पर ऋषि ने श्राप का निवारण बताया कि आपके द्वारा दी गई कोई निशानी जब आपको दिखाई जाएगी तो आपको पीछे का सब कुछ याद आ जाएगा। फिर एक दिन वो अंगूठी मछुआरा लेकर आता है जो शकुंतला के पास थी। तब राजा को याद आता है कि यह अंगूठी तो शकुंतला की थी। इस कहानी में ये सब विस्तार से वर्णन किया गया है और ये बहुत ही अच्छी कहानी है। अगला नाटक है विक्रमोवश्यम। इसका मतलब है अपनी वीरता से उर्वशी को अपने वश में कर लिया था। उर्वशी स्वर्ग लोक की एक अप्सरा थी। मेनका, उर्वशी ये सौरक की अप्सराएं थी जो कभी कभी धरती पर आती थी। एक बार की बात है जब उर्वशी सौरक लोक से धरती पर आई हुई थी तब दानवों ने उन पर अपना कब्जा करना चाहा, अपना हक जताना चाहा। इस समय किंग पुरुरावा ने उर्वशी को दानवों से बचाया था। ये देखकर उर्वशी किंग पुरुरामा पर मोहित हो गई थी और ये दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। तो जो विक्रमोवश्यम नाटक है उसमें इन दोनों के संघर्ष को दिखाया गया है। संघर्ष भी इस प्रकार था कि उर्वशी स्वर्ग लोक की अप्सरा थी, उसको तो जाना ही था, वो वहाँ धरती पर रह नहीं सकती थी और पुरुरामा को धरती पर ही रहना था। एक दिन इनकी मृत्यु हो जानी थी तो ऐसे इनकी कहानी ज्यादा लंबी नहीं चल सकती थी। पुरुरामा और उर्वशी के बीच का प्रेम संघर्ष, इनके संबंध के बारे में विक्रमोवश्यम में बहुत ही गजब तरीके से बताया गया है। इनका तीसरा नाटक है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम में कहानी है अग्निमित्र की और मालविका की। अग्निमित्र नाम का एक राजा था जो मालविका नाम की एक सुंदर लड़की के प्यार में पड़ गया था। इस नाटक में कॉमेडी भी दिखाई गई है कि राज दरबारियों और राजा के बीच कैसे संबंध है। इस नाटक में अग्निमित्र और मालविका के बारे में बताया है और इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है कि उनके बीच के प्यार स्नेह को दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कालिदास के द्वारा लिखे गए महाकाव्यों के बारे में। पहला महाकाव्य है कुमार संभव। इस महाकाव्य के 17 भाग हैं। इस महाकाव्य में भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी को दिखाया गया है और भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रेम प्रसंग को विस्तार से वर्णन किया गया है कि किस प्रकार माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव का दिल जीत लिया और फिर इनकी शादी कैसे हुई, क्या क्या विडम्बनाएं आई, ये सब कुमार संभव में दिखाया गया है। अगला महाकाव्य है रघुवंशम। रघुवंशम भगवान राम के जीवन काल का वर्णन करता है। रघुवंशम महाकाव्य में उस समय के राजाओं के कार्यकाल का विस्तार से वर्णन करता है। उस समय पहले राजा थे दिलीप, रघु, अजा, दशरथ, राम और भगवान राम को तो सबसे ऊपरी स्थान दिया गया है। एक वेस्टर्न स्कॉलर है मोनियर विलियम्स, इन्होंने बताया है कि रघुवंशम जो महाकाव्य है इसके जैसा महाकाव्य मैंने कहीं नहीं देखा कि इसमें सभी पात्रों का बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्णन किया गया है। राजाओं के कार्यकाल से लेकर उनके चरित्र का बहुत ही अच्छे ढंग से इस समय समेटा गया है और इन्होंने कहा है कि कालिदास जी को शेक्सपियर के बराबर का दर्जा देने से बेहतर है इनको अपने आप का दर्जा दिया जाए क्योंकि कालिदास जी शेक्सपियर से कहीं आगे थे। अब कालिदास की पोएम के बारे में पढ़ते हैं। इनकी दो पोएम हैं ऋतु संहारम और मेघदूतम। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे के ही भाग माने जाते हैं। ऋतु संहारम जो कविता है ये भारत की जियोग्राफिकल और पोएटिक डिस्क्रिप्शन है क्योंकि जो भारत के 6 सीजन होते हैं अर्थात अलग अलग ऋतुओं का वर्णन किया गया है। हर एक ऋतु के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है और उन ऋतुओं में लोग किस प्रकार आनंद लेते हैं वो सभी इस कविता में दिखाया गया है। अगली कविता है मेघदूतम। मेघदूतम कविता में किसी यक्ष नाम के व्यक्ति के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे यक्ष के बारे में।
यक्ष कुबेर के सर्वेंट थे। एक बार की बात है, यक्ष के हाथों कुछ गलती हो जाती है और ऐसा देखकर कुबेर यक्ष को श्राप देते हैं और यक्ष को देवलोक से निकाल दिया जाता है। लेकिन यक्ष की पत्नी देवलोक में ही रह जाती है और अपनी पत्नी को मैसेज पहुंचाने के लिए यक्ष बादलों का सहारा लेते हैं और उन तक मैसेज पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं कालिदास जी की मृत्यु से संबंधित कहानी की। श्रीलंका के एक राजा थे कुमारदास। इन्होंने एक बड़ी कविता लिखी थी, उसका नाम है जानकी हरण। ये इन्होंने कालिदास जी के अंतिम संस्कार पर लिखी थी। अब इसके पीछे की कहानी देखते हैं कि क्या कहानी है। कुमारदास जी ने एक दोहा लिखा था, भाले तब भूखा बोझे दृष्टि विंदी वृंदायम। ये लाइन के बाद कहा कि जो इसका अगला पहरा पूरा करेगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा, और इस लाइन को पूरा किया गया था कालिदास जी के द्वारा। कमलो कमलोपति श्रेते मैं तू दृशेते, और ये लाइन कालिदास जी की आखिरी लाइन थी। ये लाइन लिखने पर कालिदास जी को इनाम की जगह मृत्यु मिली। मृत्यु क्यों मिली? क्योंकि कुमारदास जी का एक दरबारी था, उन्होंने सोचा कि मुझे इनाम मिलना चाहिए, ये इनाम कालिदास जी को नहीं मिलना चाहिए। उसने कालिदास जी की हत्या कर दी और सोचा कि इनाम मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राजा को पता चल गया था कि दरबारी ने कालिदास जी की हत्या कर दी है। और कालिदास जी की मृत्यु के बाद जानकी हरण कालिदास जी को डेडिकेट किया। और ये जो आखिरी लाइन थी, इसका मतलब था कमल से कमल का पैदा होना न तो सुना है और न ही देखा है, और यही इनका अनंत माना जाता है। आपको कालिदास जी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।